मैं आपका नाम जान सकता हूँ और कहाँ रहते हैं फरीदाबाद में? रमन शर्मा, सेक्टर 86 फरीदाबाद। सर आपके बच्चे का क्या एज है? 3 इयर्स। सर आप अपने बच्चे के लिए क्या सर्च कर रहे थे बेसिकली, क्या क्राइटेरिया था? बेसिकली मैं उसके लिए प्ले स्कूल सर्च कर रहा था, क्योंकि अभी उसको कभी स्कूल में बच्चों के साथ बैठना उठना अभी थोड़ा बहुत सीखना था, तो प्ले स्कूल सर्च कर रहा था। सो आप अपने लोकेलिटी में और कौन कौन सा प्ले स्कूल कंसिडर किए थे? मैंने बहुत सारे किए हैं, कुछ तो मुझे नाम भी याद नहीं है। इवन भी मैंने मदर्स प्राइड भी किया, सब बहुत सारे किए हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। रीजन बीइंग कि एक तो घर के पास है और दूसरा एक फैमिली सा एटमोसफेयर है, तो बच्चों का थोड़ा सा ये रहता है कि ठीक है यार, थोड़ी देखभाल भी अच्छे ढंग से हो जाती है। सो यू फाइनली चूज ब्राइट स्टार? यस। तो कैन यू प्लीज टेल अस टू गुड थिंग्स अबाउट ब्राइट स्टार? सी, एक तो बहुत जिसको आप कहते हैं कि बच्चे को घर जैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, होमली एनवायरमेंट, बिल्कुल होमली एनवायरमेंट है और देखभाल अच्छी होती है बच्चे की। फिर दूसरा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, बच्चे की डे टू डे रूटीन जो भी होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब पता चलता रहता है, वो मुझे बहुत अच्छा। सो सर दो चीजें ऐसे बताएंगे जो बेहतर हो सकती है, एनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट? ये वो तो ये लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता, मेरे लिए तो ऑल इज वेल, सब अच्छा है। सो सर मेरा फाइनल क्वेश्चन है, ऑन स्केल ऑफ 1 to 5 आप ब्राइट स्टार प्ले स्कूल को कितना रेटिंग देना चाहेंगे दूसरे पेरेंट्स के लिए? पर 1 इज द मिनिमम एंड 5 इज द मैक्सिमम रेटिंग। इन दैट केस आई गिव 4। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।